गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए जिले में व्यवस्थाओं के संचालन के लिए शासन की तरह गोरखपुर में भी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि बनाए गए कमेटी द्वारा किए गए कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीबों असहायों को लगातार राशन और खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गोरखपुर में बनाया गया कम्युनिटी किचन मंडल का सबसे बड़ा किचन है, जिसके तहत गोरखपुर के साथ ही अन्य जिलों में भी राशन सामग्री भेजा जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार महानगर की कुछ प्रमुख होटलों को भी अधिकृत कर उनमें क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित एवं किसान सम्मान निधि सहित शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले पेंशन को भी बैंकों में भेज दिया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया, आज ऑफिसर्स का भी एक छोटी सी मीटिंग थी, उसके हम लोग जनपद में 11 कमेटी बनाए हैं, जैसे शासन में 11 कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए, उसी लेवल पे किस किस का जिम्मेदारी कौन देखेगा, वैसे फूड चेन सप्लाई कोई देखेंगे, क्वारंटाइन का जो कोई इशू आ रही है वहाँ रहने वाले का समस्या है उसको हल करने के लिए वो कमेटी अलग बना हुआ है, और सफाई का कमेटी है और नगर आयुक्त और इन्हीं के माध्यम से अलग जो 11 कमेटी है हमारा, रोज़ ये 11 कमेटी के साथ हम बैठ करके फीडबैक लेंगे, फिर उनके कमेटी का एक्टिवेट भी करेंगे। ज़्यादा स्तर तक जो समस्या दूर हो गया सप्लाई चेन का इत्यादि का, हम लोग आगे जो बस ये हम लोग एक अलर्ट है, खासतौर पर जो क्वारंटाइन में कितने लोग हैं वो सभी लोग का सुविधा ढंग से पहुँच रहा है कि नहीं, और उन्हीं लोगों के यदि लक्षण लगता है, कुछ सिम्टम्स लगता है कोई कोरोना का, फिर तुरंत उन लोगों का इलाज के लिए भी हम लोग पूरा फैसिलिटीज़ का तैयार कर रखा है। देखिए यहाँ जो कम्युनिटी किचन आप देखे होंगे, यहाँ तो गोरखपुर का सबसे बड़ा, मैं चाहता हूँ इसी मंडल में यही है गोरखपुर का, केवल गोरखपुर और शहर का नहीं, ग्रामीण इलाका भी कैटर कर रहे हैं और जनपद को भी दे रहे हैं। कल तो कहीं हम लोग का संत कबीर नगर का भी कुछ ज़रूरत पड़ा, हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ भी रवाना किए। यहाँ जो बहुत लोग सहयोग से हम लोग का अनाज ठीक ठाक मात्रा में इकट्ठा हो गया है, भोजन भी यहाँ तो कल 10,000 लोगों को भोजन बटी थी, 5,000 लोग रोजाना हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुत्ते के भी हम लोग बिस्किट विस्किट खिला रहे हैं, फिर जानवर को भी खिला रहे हैं, यानी पूरा फूड चेन हम लोग बना लिया। अब एक ही मकसद है जो आप कह रहे हैं, तो यहाँ केवल आदमी नहीं है, कोई जंतु जीवन कोई भी भूखे नहीं रहेगा, आपका कहीं से भी कुछ सूचना मिलता है तो हमें बता दीजिए, केवल ये गोरखपुर का नहीं है, भारत में कहीं भी किसी कोने पर गोरखपुर के रहने वाले कहीं परेशानी में है उसको भी सूचना हमें दे दीजिएगा, उनको भी हम सहयोग करेंगे, आपको भी सहयोग चाहिए हमें, ताकि ये संकट काल है और 10 दिन हमें लॉकडाउन का पालन करना है और इसी कोरोना का हमें ख़त्म कराना है, ये आपका सभी को सहयोग हमें चाहिए। देखिए होटल ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं, हम लोग का 3-4 जगह फैसिलिटी है, यहाँ देखें बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास जो होटल्स है, ताकि डॉक्टर लोग साहिबान देखिए जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं 14 दिन उनको आराम करने के लिए जगह चाहिए, ताकि वो 14 दिन के ट्रीटमेंट शुरू करते समय में वो घर नहीं जा सकता है, वो कहीं बाहर ही रहना होगा, इसलिए वहाँ का आसपास होटल, एक दो होटल हम लोग चेंज किए थे। फिर यहाँ जिला अस्पताल के पास शिवाय होटल है और मैजेस्टिक है, प्रेसिडेंट है, जो भी होटल है आसपास होता है, वो अभी फ़िलहाल हम तैयार करके रखे हैं, ताकि अभी तो फ़िलहाल एक भी मरीज नहीं मिला है, पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है, इन केस मिलता है तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। सारे होटल का लिस्ट बनी हुई है, सारे जो यहाँ मैरिज हॉल का लिस्ट बनी हुई है, हम ज़रूरत के हिसाब से उनसे बात करके उनका पैसा भी देंगे, ऐसे नहीं तो हम फ्री में एक्योर करेंगे, जो बेसिक 2,000-3,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो कितने बनता है नेगोशिएबल रेट पे, वो हम ले करके वो सेवा हम देना है। तो खासतौर पर हमारा जो डॉक्टर महकमा है, हमारा जो स्टाफ लगे हुए हैं, यही फ्रंट लाइन हमारा वर्कर है, ताकि यही तो सीधे लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले, इनका हम सुविधा नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग का जो लड़ाई का मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए इन लोग का जो बेहतर सुविधा हम जनपद में दे सकते हैं उसी की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए आसपास का होटल का हम अभी तो लिस्ट तैयार करके रखे, ज़रूरत के हिसाब से हम उसी का भी व्यवस्था का हम लोग लेंगे। देखिए करीब तो 2 लाख लोग का पेंशन पहुंच गया है, 1 लाख वृद्धावस्था पेंशन कल ही पहुँच गया, ऑनलाइन में मुख्यमंत्री जी बात भी किए हैं, उसके अलावा करीब 50,000 लोग का ये जो विधवा पेंशन गई है, फिर विकलांग करीब 30,000 लोग का गई है, इसी टाइप का अनेक लगभग 2 लाख लोग का पेंशन यहाँ पहुँच गया। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के अंदर भी 2,000 रुपया प्रति किसान के दर से
4.5 लाख किसान को पहुंची है। उसके अलावा हम लोग ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कितने लोग हैं, खासतौर पे जो मजदूर है, यहाँ 30,000 मजदूर का पैसा हम लोग भिजवा दिए हैं, वो जो मजदूर के रूप से रजिस्टर्ड है। उसके अलावा कुछ लोग का बैंक अकाउंट नहीं है, उसका कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। और 1800 रिक्शा चलाने वाले, टेर्री चलाने वाले के 1,000 रुपये पहुँचा दिए। और बाकी भी कितने लोग छूटे हुए हैं, वो CDO मैडम के लेवल पर एक कमिटी है। 14 करोड़ रुपया हमारा जनपद में आ भी गया है इन लोगों को देने के लिए। कितने लोग भी मिलते जाएंगे इसी श्रेणी में, सभी को हम पैसा भिजवा दे जा रहे हैं उस पर। अभी ये तकरीबन हमारा जनपद में करीब 10 लाख परिवार है, वो 10 लाख परिवार का करीब 8.5 लाख परिवार इस पर आच्छादित होंगे, यानी गरीबी रेखा में आते हैं। उस पर 8.5 लाख परिवार का हम लोग राशन बंटवा रहे हैं। 1,70,000 अंत्योदय कार्ड होल्डर है परिवार लोग, और उसके अलावा 6 लाख 6.5 लाख हमारा पात्र ग्रस्ती परिवार है, वो सबका राशन अनाज भी बांट रहे हैं, 2 दिन के अंदर बट भी जाएगा। उसके अलावा इसी परिवार का कम से कम एक सदस्य का किसी न किसी योजना में पैसा हम भिजवा देंगे, ताकि वो कोई परिवार ऐसे बिना पैसा के अभाव में ना रह जाए, उसी की व्यवस्था हम लोग करें।